व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। आज का टॉपिक बड़ा ही शानदार टॉपिक है और बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहता है, और बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एज ए भारत के नागरिक होने के नाते आप लोगों को इसके बारे में पता भी होना चाहिए कि हमारी पार्लियामेंट में जब बजट जाता है तो क्या क्या उसका प्रोसीजर होता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में बजट के बारे में क्या लिखा हुआ है और किस तरीके से यहाँ पर बजट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो बताई गई चीजें हैं पार्लियामेंट में उसको लेकर पास कराया जाता है। तो यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर, इसके अलावा जो पार्लियामेंट है पूरा प्रोसीजर फॉलो करके चलते हैं बजट को प्रेजेंट करने का, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। हम यहाँ पर ऐसा कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे जो अब की बार में बजट में क्या हुआ है, कौन सी स्कीम्स आई है, कितना पैसा किसको दिया गया है, क्योंकि ये यहाँ का टॉपिक नहीं है। हम यहाँ पर पॉलिटी पढ़ रहे हैं और ये ऑलरेडी मैं लेक्चर ले चुका हूँ आप लोगों के लिए। वो जिस किसी ने लेक्चर नहीं देखा है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या क्या प्रोसीजर है जो बजट को पास कराया जाता है, ठीक है। तो पूरा यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखेंगे, मतलब पॉलिटी के एंगल से पढ़ेंगे हम लोग, ना कि इसको इकोनॉमिक के एंगल से पढ़ेंगे, और हम देखेंगे किस किस तरीके में क्या क्या प्रोवाइड कराई गई है, कौन कौन सा स्कीम्स में क्या क्या पैसे दिए गए हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो ये प्रोसीजर आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके क्वेश्चन कई बार आप लोगों से इंटरव्यू में पूछ ले जाते हैं। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो इंटरव्यू में अगर आप लोग जाते हैं तो वहां पर पूछ ले जाते हैं, आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं तो आरबीआई के इंटरव्यू पूछ ले जाते हैं, यूपीएससी के इंटरव्यू भी इस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर होता है हमारी पार्लियामेंट में जो बजट को प्रस्तुत किया जाता है। तो उसके बारे में टोटल डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाला हूं। आइए लेक्चर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, काफी शानदार लेक्चर रहने वाला है। सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि क्या बजट नाम जो हम इतना यूज करते हैं, क्या ये यहां पर कभी आप लोगों ने इस बजट के बारे में सुना है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड यूज किया गया है कहीं पर? तो आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही बनता है, कहीं पर भी पूरे संविधान में बजट नाम का वर्ड यूज नहीं किया गया है। वहां पर वर्ड यूज किया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक साल की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये वर्ड यूज किया जाता है कि हर साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, मतलब ये किस तरीके से हमारी कंट्री में लास्ट जो अभी नेक्स्ट जो ईयर आने वाला है वो कैसा रहने वाला है, तो वो यहां पर वर्ड यूज किया जाता है, न कि बजट। तो पहला बात तो यही क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, बजट नाम का कोई भी वर्ड यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैं वर्ड यूज करता हूं ये आप लोगों को आर्टिकल 112 में देखने को मिलेगी, अनुच्छेद 112 में यहां पर हमारे संविधान के आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में थोड़ा आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा आप लोगों से फाइनेंशियल ईयर के बारे में पूछा जाता है, फाइनेंशियल ईयर हमारी कंट्री में कब तक होता है, और ये काफी न्यूज में भी है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर को बोला जा रहा है हम लोगों को इसको स्टार्ट कर देना चाहिए 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, पर हमारी कंट्री में जो हमारा लेन देन होता है, जो हमारा बैंकिंग सिस्टम होता है, जो हमारा गवर्नमेंट की वर्किंग प्रोसीजर होता है, उसके हिसाब से जब हमारा फाइनेंशियल ईयर मानते हैं, मतलब एक साल जो मानते हैं हमारा स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ठीक है, 1 अप्रैल से, जिसको हम अप्रैल फुल बोलते हैं ना, तो यहां से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है ये, मतलब एक साल पूरा यहां पर काउंट होता है, ना कि 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। अब आज की डेट में इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, डिबेट चल रहा है कि आप लोग क्या कर दीजिए, ये फाइनेंशियल ईयर जो आप लोगों का यहां पर ही स्टार्ट होता है ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इसको आप लोग ट्रांसफॉर्म कर दीजिए और इसको 1 जनवरी से 31 जनवरी तक करना स्टार्ट कर दीजिए। हालांकि देखिए ये अभी अंडर प्रोसीजर है, अभी ये कंप्लीटली यहां पर कहीं इंप्लीमेंट नहीं किया गया, तो इसलिए इसके बारे में बाद में डिस्कशन देखेंगे अगर कभी कुछ चेंजेस होता है तो, पर फिलहाल आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है। ओके, अब बात करते हैं यहां पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे कि क्या क्या कौन कौन सा बजट क्या क्या होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब तक अगर हम लोग यहां पर देखें, अगर बजट के बारे में हम लोग यहां पर जाने तो आप लोग यहां पर जानने को मिलेगा कि हमारा जो बजट है वो दो तरीके से अब तक डिवाइड किया जाता था, एक साइड में तो आप लोगों को रेलवे बजट देखने को मिलता था, एक साइड में आप लोगों को जनरल बजट देखने को मिलता था। रेलवे बजट और जनरल बजट दोनों अलग अलग थे, जनरल बजट से रेलवे बजट अलग किया गया था आप लोगों को देखने को मिलेगा 1921 में, ये ओकवर्थ कमेटी के द्वारा अलग किया गया था, इसके ऊपर भी ऑलरेडी लेक्चर ले चुका हूं, थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। देखिए अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग अपनी कंट्री का मैप देखेंगे तो आप लोगों को हमारी कंट्री नजर आएगा ये कुछ ऐसा। आज की डेट में हमारी कंट्री में 29 स्टेट है, 29 स्टेट देख सकते हैं, तो कहीं पर आप लोगों को कहीं पर ज्यादा मिलेगा क्या, कहीं पर आप लोगों को कोयला ज्यादा मिलेगा, कहीं पर आप लोगों को लोहा ज्यादा मिलेगा, कहीं पर दूसरे प्रोडक्ट आप लोगों को ज्यादा मिलेंगे, तो उनको क्या करते थे, जो अंग्रेज हुआ करते थे वो पूरे कंट्री में उन्होंने रेलवे का नेटवर्क बिछाया, क्यों, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है हमारी कंट्री में जैसे कोयला हो गया या फिर आयरन ओर हो गई, तो उसको निकाला करते थे वहां से और उसको किसी न किसी तरीके से उसको आप लोग देखेंगे यहां पर किनारे तक लेके आया करते थे, और फिर किनारे से उसको जहाज में भर के, मैप पे देखिएगा थोड़ा, यहां पर देख सकते हैं
यहाँ पर कंट्री हो गई हमारा प्यारा इंडिया यहाँ से, तो किनारों तक इसको लेके आ जाया करता था और फिर इन किनारों से इसको जहाज में भर के यहाँ से लेकर, ये आप लोग देखेंगे इनको, पहले तो रास्ता बहुत पहले तो यहाँ से हुआ करता था, यहाँ से होते हुए ये यूरोप जाया करते थे, पर लेकिन आज की डेट में आप लोगों को रास्ता यहाँ से नजर आएगा, ठीक है ना। ये गल्फ ऑफ एडन से होते हुए यहाँ से आप लोगों को मेडिटेरेनियन सी से होते हुए ये यहाँ पे यूरोप में जाते थे, तो पूरा सामान यहाँ तक इनका सीधा सीधा मतलब ये था किसी तरीके से एक बार किनारों तक आ जाए और फिर किनारों से इसके जहाज में भर भर के इसको ये अपनी कंट्री में ले जाए, तो ये इनका फोकस हुआ करता था। तो उस टाइम पर इनको देखने को मिला, इस टाइम पर इनको देखने को मिलता था, क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो है नहीं इनको एजुकेशन के लिए स्कीम चलानी थी या फिर इनको हेल्थ के लिए स्कीम चलानी थी, इनको सड़कें बहुत अच्छी अच्छी बनवानी थी, हमारी कंट्री के सिटीजन का ध्यान रखना था, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो इनका जो इनका रेलवे का बजट हुआ करता था वो जनरल बजट से बहुत ज्यादा हुआ करता था। जनरल बजट दिया नहीं करते थे क्योंकि ये थोड़ी ना यहाँ पर एक अच्छी गवर्नमेंट और अच्छी गवर्नेंस देने आए थे, यहाँ पर ये तो व्यापारी थे, व्यापार करने आए थे, लूटने आए थे कंट्री को, तो उस हिसाब से अपना काम करते। तो रेलवे बजट इनका बहुत ज्यादा हुआ करता था जनरल बजट के कंपेयर में, ओके। तो इसलिए आप लोगों को देखने को मिलेगा इन्होंने क्या किया, इनको दिखने लगा यार दोनों को एक साथ रखने का कोई मतलब नहीं है, तो जनरल बजट को इन्होंने रेलवे के बजट से अलग कर दिया, ठीक है ना। तो रेलवे का बजट अलग से प्रस्तुत करने लगे और ये रिकमेंडेशन दी गई थी अकवर्थ कमेटी के द्वारा। तो ये लेटेस्ट अभी न्यूज में है जिस तरीके से हमारा अलग किया गया है यहाँ पर 2016 तक, तो जनरल बजट और रेलवे बजट एक ही साथ वो एक अलग अलग आया करते थे, पर लेकिन 2017 से, ये 2016 में लास्ट था, 2017 से आप लोगों को देखने को मिलेगा ये दोनों क्या होने लगे, एक साथ में आने लगे, मर्ज कर दिया गया इसको, ठीक है। और जो ये मर्ज किया गया है, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर आप लोग याद रख सकते हैं, आखिरी फाइनेंस मिनिस्टर भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे जब अलग अलग हुआ करता था, ये आप लोग याद रख सकते हैं, यहाँ पर ये अरुण जेटली और फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर भी अरुण जेटली जी ही नजर आएंगे जो कि मर्ज बजट उन्होंने प्रस्तुत किया पार्लियामेंट में, ओके। एक और चेंज आप लोगों को देखने को मिला बजट में, वो भी अभी आप लोगों को बताता हूँ पूरा डिटेल में, हल्का सा और प्रोसीजर यहाँ पर जान लेते हैं कि जो बजट है आज के डेट में हमारी कंट्री में, पहले जो बजट आया करता था वो फरवरी के लास्ट मंथ में, फरवरी के लास्ट वीक में आया करता था, लास्ट वीक में भी लास्ट डे आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलता था। अगर 28 की फरवरी है तो 28 को आया करता था, और अगर लीप ईयर है मतलब जिसमें 29 डेज होते हैं फरवरी में, तो उस टाइम पर 29 को आया करता था। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर अपना बजट प्रस्तुत किया करते थे, पर लेकिन आप लोगों को देखने को मिलेगा ये प्रोसीजर भी चेंज कर दिया गया, अब बजट हमारी कंट्री में फर्स्ट फरवरी को आता है, पर लेकिन आगे चल के इसको बोल रहे हैं फर्स्ट फरवरी की जगह इसको फर्स्ट जनवरी से स्टार्ट कर देते हैं, तो इसके बारे में भी डिस्कशन यहां पर चलता हुआ आ रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट बात आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, दोनों ही चीजें आप लोग यहां पर फॉलो करके चल सकते हैं। तो ये कंप्लीट पैटर्न आप लोगों के सामने है जो आप लोगों के सामने यहां पर नजर आ रहा है, ओके। एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को और होना चाहिए, पार्ट फाइव में चैप्टर 12 में और आप लोगों को आर्टिकल 112 आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसके बारे में बात की जाती है यहां पर बजट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में, तो पूरी डिटेल याद रखते हैं। पार्ट फाइव हो गया, चैप्टर दो, सॉरी 12 नहीं, दो है यहां पर, ये चैप्टर टू हो गया यहां पर, और आर्टिकल 112 है, तो यहां पर ये नजर आएगा जहां पर बात की जाती है बजट के बारे में, बजट के बारे में इंफॉर्मेशन यहां पर रखी गई है। तो ये कुछ बातें हैं, इसके अलावा एक छोटी सी बात और याद रख सकते हैं आप कि बजट जो प्रस्तुत करना होता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बजट यहाँ पर प्रस्तुत करना है और किसी एमएलए या फिर किसी एमपी की डेथ हो गई है तो उसको पोस्टपोन कर देंगे या फिर कोई और प्रॉब्लम आ जाएगी तो उसको पोस्टपोन कर देंगे, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। यहाँ पर अगर एक बार बोल दिया, डिसाइड कर दिया कि यहाँ पर इस टाइम पर बजट आना है, तो फिर वो बजट आएगा ही आएगा चाहे उस दिन कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमको ये रीति फॉलो करके चलनी पड़ती है, वरना कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन ये माना जाएगा। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा स्पीकर की, आप लोगों ने अगर स्टेटमेंट सुनी होगी तो आप लोगों को बात नजर होगी, एक एमपी की यहां पर डेथ हो गई थी, उनकी वजह से हो सकता था यहां पर पार्लियामेंट का सेशन पोस्टपोन कर देगी, बजट को अगले दिन प्रस्तुत करेंगे, आज बजट प्रस्तुत नहीं होना है, पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बोल के यहां पर जो हमारी स्पीकर है उन्होंने ये स्टार्ट किया कि देखिए ये बहुत दुखद घटना है, ऐसा कुछ हो गया, पर लेकिन ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जिसको हम यहां पोस्टपोन नहीं कर सकते, तो इसको प्रेजेंट करना ही करना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग यहां पर इसके बारे में याद रख सकते हैं, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, इसको ऐसा नहीं है एक बार डिसाइड कर लिया और फिर उसके बाद में पोस्टपोन कर देंगे कि आज यार कुछ गड़बड़ हो गई है, आज ये डेथ हो गई है या फिर कुछ भी ऐसी कंडीशन बन गई है तो इसको पोस्टपोन कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, बजट प्रस्तुत करना ही करना है चाहे कोई भी सिचुएशन हो जाए, तो ये बात यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऑब्लिगेशन माना जाता है। तो ये भी आप लोग थोड़ा स्टेटमेंट याद रख सकते हैं। कुछ ट्रेडिशंस देख लेते हैं यहाँ पर, कुछ रीति रिवाज आप इनको बोल सकते हैं जो काफी लंबे समय से चले हुए आ रहे थे हमारी कंट्री में। वैसे तो जो बजट का मैंने लेक्चर लिया था उसमें मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था, अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको ये चीजें मिल जाएंगी यहाँ पर, और अगर कोई देख चुका है तो उसका रिविजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं, तो आप लोग देखिएगा काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट। अगर बात करें बजट के अनाउंसमेंट की तो आप लोग देख सकते हैं बजट को जो अनाउंसमेंट की बात की जाती है, पहले जो हुआ करता था ये बजट आप लोगों को देखने को मिलेगा 1999 तक आप लोगों को देखने को मिलेगा, कहां पर ये किया जाता था, यहां पर 5 बजे शाम को प्रस्तुत बजट हमारी कंट्री में।
आखिर ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था मॉर्निंग में तो वहां पर ब्रिटेन में बजट प्रस्तुत किया जाता था, और जब उनको टाइम मिलता था इवनिंग में आके हमारी कंट्री में बजट प्रस्तुत करते थे वो, तो इस तरीके का प्रोविजन यहां पर फॉलो करके चला करते थे। और ये उस टाइम से यहां पर वर्किंग जो हुआ करता था, जो बजट प्रस्तुत किया जा सकता जाता था, ये फरवरी के लास्ट आप लोगों को डे देखने को मिलेगा जो कि यहां पर प्रस्तुत किया जाता था। तो कॉलोनियल टाइम से आप लोगों को देखने को मिलेगा, मतलब अंग्रेजों के जमाने से ये प्रैक्टिस चली हुई आ रही थी, पर लेकिन बहुत लंबे समय तक ये प्रैक्टिस चलती रही, लोगों को समझ में नहीं आया, तब जाकर यहां पर समझ में आया आज की डेट में हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। अंग्रेज तो इसलिए क्या करते थे क्योंकि मॉर्निंग में तो अपना बजट लेकर आया करते थे, इवनिंग में हमारे यहां प्रस्तुत किया करते थे। तो फिर यहां पर यह बात समझ में आई अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के टाइम पे, यशवंत सिन्हा फाइनेंस मिनिस्टर थे 2001 में, याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट यहां पर यह है काफी, जो बजट था फर्स्ट टाइम 11 बजे प्रस्तुत किया गया, ठीक है। इससे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा शाम को 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था, तो वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के टाइम पे यहां पर ये चेंज किया गया और इसको अनाउंसमेंट किया गया कि अब से ये 11 बजे मॉर्निंग में बजट प्रस्तुत किया जाएगा। तो काफी लंबी पुरानी जो ट्रेडिशन चली हुई आ रही थी वो यहां पर तोड़ दी गई। नेक्स्ट बात देखने को मिली बजट को अनाउंसमेंट के बारे में आप लोगों, यहां पर मैंने आप लोगों को बताया फरवरी के लास्ट, जो फरवरी मंथ होता है उसके लास्ट डे में आप लोगों के सामने बजट प्रस्तुत होता है। अगर फरवरी आप लोगों की 29 की है, लीप ईयर है, तो आप लोगों को 29 को देखने को मिलेगा, और 28 की है तो 28 में आप लोगों को बजट देखने को मिलेगा। पर लेकिन ये ट्रेडिशन भी यहां पर तोड़ दी गई और आप लोगों को देखने को मिला 2017 में, जो फर्स्ट टाइम आप लोगों का जो बजट सामने निकल कर आया जो फरवरी के लास्ट डे में हुआ करता था वो 1 फरवरी को स्टार्ट कर दिया गया। फिर से ये बात आप लोगों को देखने को मिलेगी किसके द्वारा की गई, एनडीए गवर्नमेंट के, यहां भी आप लोगों को देखने को मिलेगा एनडीए गवर्नमेंट यानी कि बीजेपी के द्वारा ये ट्रेडिशन तोड़ी गई थी। रेलवे बजट की और यहां पर जनरल बजट की बात करें तो ये दोनों काफी लंबे समय से अलग चले हुए आ रहे थे। अलग क्यों थे मैंने आप लोगों को अभी बताया, क्योंकि रेलवे का बजट बहुत बड़ा हुआ करता था अंग्रेजों के टाइम पर, लेकिन अब ये सोचने की बात आ गई यार अब क्यों हम इसको अलग कर रहे हैं, तो अब क्या किया गया, इसको अब मर्ज कर दिया गया, क्योंकि आज की डेट में हमारा रेलवे का बजट इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा जनरल बजट है, तो इसलिए आज की डेट में यहां पर इसको मर्ज कर दिया गया। तो ये बात आज ये बात आपको लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि करंट की बात है अभी। नेक्स्ट आप लोगों के सामने देखने को मिलेगी यहां पर हलवा सेरेमनी। ये हलवा सेरेमनी आप लोगों को पता होनी चाहिए थोड़ी सी, बजट से पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा, बजट को जब प्रिंट करने की बात आती है तो यहां पर सब जो भी लोग रहते हैं, जो भी इससे बजट से कनेक्टेड रहते हैं, जो प्रिंट करने वाले तो या फिर जो भी दूसरा स्टाफ होता है, उनको सबको पार्लियामेंट के पास अगर आप लोग घूमने जाएंगे तो नॉर्थ ब्लॉक आप लोगों को देखने को मिलेगा, सबको नॉर्थ ब्लॉक में इकट्ठा कर लिया जाता है। और जब तक ये बजट कंप्लीट नहीं हो जाता है, मतलब वो नहीं कहते कोई अच्छा काम करने से पहले मीठा मुंह कर लेते हैं, तो नॉर्थ ब्लॉक में लाके इनको वहां पर बैठा दिया जाता है, वहां पर पूरा प्रोसीजर चलता है, ना तो तब तक कोई बाहर आएगा ना तब तक कोई अंदर जाएगा जब तक ये पूरा प्रोसीजर खत्म नहीं हो जाता है। तो हलवा सेरेमनी से पूरा प्रोसीजर स्टार्ट होता है, हलवा बनाया जाता है, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और अरुण जेटली जी के द्वारा जो यहां पर आज की डेट में आप लोगों को फाइनेंस मिनिस्टर देखने को मिलते हैं, फ्यूचर में कोई और होंगे यहां पर, तो जो भी यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं उनके द्वारा ये जो जिनके द्वारा ये स्टार्ट की जाती है हलवा सेरेमनी, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये सर्व की जाती है फाइनेंस मिनिस्टर जी के द्वारा। हलवा जिनको नहीं पता है ये एक डिश है, आप लोगों को देखने को मिलेगा नॉर्थ इंडिया की एक मीठी डिश का, आप लोगों को स्वीट डिश इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बजट प्रेजेंट किया जाता है, फिर तब तक यहां पर ये जब तक यहां पर कंप्लीट नहीं हो जाता है, डिसाइड जो डेट हम लोगों ने कर रखी है 1 फरवरी तक पूरा स्टाफ अंदर रहता है, जब पार्लियामेंट में इसको प्रस्तुत कर दिया जाता है बजट को, तब जाकर वहां से बाहर निकलकर सब आते हैं। तो इस तरीके से इसको सीक्रेट डॉक्यूमेंट रखा जाता है। इकोनॉमिक सर्वे के लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था उसको सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं रखा जाता है। आखिर उसको सीक्रेट डॉक्यूमेंट क्यों नहीं रखा जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में और बजट में डिफरेंस क्या है, तो वो आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं। इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो लास्ट ईयर का होता है, मतलब अब की साल जो इकोनॉमिक सर्वे आया है अभी, तो वो लास्ट ईयर का आया है, जो लास्ट ईयर में हम लोगों ने क्या क्या प्रोविजन यहां पर किए हैं, और जो अब यहां पर प्रस्तुत किया गया है बजट, ये आप लोगों को जो आने वाला टाइम है हमारा पूरा साल जो अभी आएगा उसके लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो ये देखने को मिलेगा इकोनॉमिक सर्वे पहले का है और बजट आने वाला है, तो इकोनॉमिक सर्वे तो ऑलरेडी पहली जनता के सामने है तो सीक्रेट रखने का कोई बात ही नहीं है, पर लेकिन बजट जो है वो सीक्रेट रखा जाता है जब तक प्रस्तुत पार्लियामेंट में नहीं किया जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो कि जनता के सामने पहले नहीं आना चाहिए। क्या क्या डिसाइड, क्या क्या डिसीजन है, क्या क्या डिसाइड कर रखा है, यहां पर क्या इन्वेस्टमेंट करना है, वो बहुत सारी बातें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। तो ये भी कुछ बातें हैं जो आप लोगों के माइंड में थोड़ा क्लियर होना चाहिए, इनको भी थोड़ा आप लोगों को ध्यान रखकर चलना चाहिए। तो बोलने के लिए तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, पर आप लोगों को थोड़ा सा ये माइंड में रखना है ताकि आप लोग समझ सके कि एक्चुअल में ये है क्या। नेक्स्ट अभी देख लेते हैं क्या बात की जा रही है यहां पर। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में बात किया जाता है। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में देखें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है रिलेटेड टू बजट के बारे में, बजट के बारे में क्या क्या हमारे संविधान में लिखा गया है।
तो कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों को यहां पर जानने को मिलेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए, जब भी बजट को प्रस्तुत करने की बात आती है हमारी कंट्री में, तो हमारी कंट्री में कोई भी पॉलिसी से रिलेटेड मैटर होता है तो प्रेसिडेंट का नाम सामने आता है कि प्रेसिडेंट के नाम पर यह काम किया जा रहा है। तो पहले तो आप लोगों को यही पता होना चाहिए सारे काम प्रेसिडेंट के नाम पर किए जाते हैं और प्रेसिडेंट यहां पर पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस के सामने यहां पर बात रखते हैं बजट से पहले की क्या क्या एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का और क्या क्या रेवेन्यू है यहां पर, यह सारी बात पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बात रखते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में। नेक्स्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा नो डिमांड फॉर ग्रांट। जो डिमांड फॉर ग्रांट होती है वो यहां पर जब तक प्रेसिडेंट रिकमेंड नहीं करेगा तब तक ये किसी भी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा पार्लियामेंट में नहीं रखी जाएगी। डिमांड फॉर ग्रांट के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, आर्टिकल 113 में इसके बारे में जिक्र करा जाता है कि यहां पर देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से अगर देखा जाए आप लोगों को यहां पर कंसोलिडेटेड फंड देखने को मिलेगा, ठीक है ना। कंसोलिडेटेड फंड क्या है, कंटीजेंसी फंड क्या है, ये सारे आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में देखने को मिलेंगे। डिटेल में इनके बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा क्योंकि इसके ऊपर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। अभी मोटा मोटा आप लोग ये समझ सकते हैं कि ये गवर्नमेंट का खजाना है, ठीक है ना, जहां से पैसे निकाले जाते हैं, तो उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। डिटेल में ये क्या है, एक्चुअल में ये क्या है, वो मैं आप लोगों को अभी आगे समझाऊंगा इसके बारे में। तो डिमांड फॉर ग्रांट की बात यहां पर की जा रही थी। देखिए जैसे बजट प्रस्तुत किया जाता है, अब बजट तो प्रस्तुत किया जाएगा उसके बाद में पार्लियामेंट में पास किया जाएगा, पार्लियामेंट में पास होने के बाद में फिर मिनिस्ट्री को उनका उनका पैसा दिया जाएगा। तो पूरा कंसोलिडेटेड फंड से अगर यहां पर पैसा निकाला जाएगा तो पूरा आप लोगों को वोट के थ्रू यहां पर बाहर निकलता हुआ नजर आएगा, पूरा एक प्रोसीजर यहां पर होता है। तब तक किस तरीके से डिपार्टमेंट यहां पर काम करेंगे, तो उनके लिए धन कहां से आएगा, उसके बारे में जो जिक्र किया जाता है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके लिए भी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से यहां से पैसा निकाल लिया जाएगा, तो ये बातें आप लोग कुछ याद रख सकती हैं। इसके अलावा आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा अगर कोई यहां पर कोई मतलब टैक्स इंपोज करना है या फिर कोई और काम करना है तो यहां पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन ली जाती है। और यहां पर पार्लियामेंट में जब बात आती है तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा राज्यसभा की ज्यादा पावर नहीं होती है जब बात आती है मनी बिल से रिलेटेड। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी लेक्चर इससे रिलेटेड ले चुका हूं, जब मनी बिल के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था क्या क्या यहां पर पावर होती है किस किस की, तो डिटेल में वो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। देखिए जिस किसी ने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा उसका रिवीजन भी कर लीजिएगा। पार्लियामेंट काफी लंबा टाइम हो गया, उसके बीच में हम लोगों ने काफी कुछ कवर किया, तो आप लोग थोड़ा सा पुराने वाले लेक्चर जाकर देख लीजिएगा। ज्वाइंट सिटिंग क्या होती है, क्या क्या कौन कौन से बिल होते हैं, कौन कौन से बिल यहां पर किस तरीके से प्रेजेंट किए जाते हैं, किसमें किसकी कितनी कितनी पावर होती है, ये सब चीजें मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, ओके। तो जाकर लेक्चर देखिएगा, सारे लेक्चर आप लोगों को वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, जाकर आप लोग वो देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या टैक्स इंपोज करना है, क्या कलेक्ट करना है, ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। पार्लियामेंट रिड्यूस कर सकती है टैक्स, अबोलिश कर सकती है, ठीक है, पर इंक्रीज नहीं कर सकती है। जब इंक्रीज करने की बात आती है तो वहां पर एक प्रॉपर प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलेगा किस तरीके से काम होता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को थोड़ी याद रखनी है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है जो एक्सपेंडिचर होता है उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो दो तरीके का एक्सपेंडिचर, दो तरीके का खर्चा आप लोगों के सामने नजर आएगा। एक तो आप लोगों को देखने को मिलेगा चार्ज एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, दोनों का नाम आप लोग याद रख सकते हैं। एक एक्सपेंडिचर मेड आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जो चार्ज एक्सपेंडिचर की बात की जाती है, जब इसको यहां से निकाला जाता है तो इसके ऊपर ना तो कोई वोट होती है, ठीक है ना, इसके आप लोगों को देखने को मिलेगा ये ओनली पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है ओनली, इसके ऊपर वोट नहीं होती है जब यहां पर इसे जिसके निकालने की बात आती है। तो ये आप लोगों को चार्ज एक्सपेंडिचर दिखता है, ठीक है, वोटिंग नहीं होती है, ओनली डिस्कशन इसके ऊपर किया जाता है। नेक्स्ट ये कंसोलिडेटेड फंड से निकाला जा सकता है, जाता है मतलब खजाने से निकाला जाता है। खजाना क्या होता है वो मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा क्योंकि एक लेक्चर इसके ऊपर अलग से लेना पड़ेगा कौन कौन से फंड गवर्नमेंट के होते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर, जब बात की जाती है मेड एक्सपेंडिचर की, तो आप लोगों को देखना पड़ेगा ये कहां कहां पर किस तरीके से देना है। इसके लिए प्रॉपर वोटिंग का सिस्टम रखा गया है। पहले आप लोग यहां पर देख लीजिए एक बार चार्ज एक्सपेंडिचर के बारे में। चार्ज एक्सपेंडिचर की बात आती है तो क्या केस में आ जाता है आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहां पर जो भी प्रेसिडेंट की सैलरी होगी, प्रेसिडेंट को जो भी यहां पर फैसिलिटी जो सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं, वो सारी बातें यहां से निकालेंगे, मतलब इसके लिए वोटिंग नहीं होगी पार्लियामेंट में, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा राज्यसभा, आप लोगों को जो सैलरी अलाउंसेज होते हैं राज्यसभा के चेयरमैन या फिर डिप्टी चेयरमैन की या फिर लोकसभा के स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की, तो इनकी जो सैलरी वगैरह होती है जो सारी चीजें यहां से आप लोगों को देखने को मिलेगी वो यहां से निकाली जाती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के जो आप लोगों को जज देखने को मिलेंगे उनकी जो सैलरी यहां से निकाली जाती है वो भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, उसके ऊपर भी कोई वोट नहीं डाली जाती है, ये भी आप लोगों को चार्ज एक्सपेंडिचर देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हाई कोर्ट के जज की पेंशन की। तो यहां पर याद रखिएगा पेंशन की बात कर रहा हूं, ये यहां पर आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है। जब बात आती है सैलरी की तो जो हाई कोर्ट होते हैं उनकी सैलरी स्टेट के आप लोगों को कंसोलिडेटेड फंड से निकलती हुई नजर आएगी, पर लेकिन जब पेंशन की बात आती है तो पेंशन इनको आप लोगों को देखने को मिलेगा सेंटर के कंसोलिडेटेड फंड से दी जाती है। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, फिर से आप लोगों का रिवाइज हो जाएगा, फिर से आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी, इसको थोड़ा याद रख के चलिएगा आप लोग, ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा मुझे आशा है अब आप लोगों को, और रिवीजन जरूर करते रहिए। देखिए रिवीजन करेंगे तो चीजें आप लोगों को याद रह जाएंगी काफी लंबे समय तक।
बात की जाती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। नैनो मैगजीन के तहत भी मैंने आप लोगों को बताया था, जो हम लोग डिस्कस करते हैं मॉर्निंग में 4 बजे, उसमें हम लोग पीआईबी ऑल इंडिया रेडियो ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। उस टाइम पर भी मैंने रिविजन के लिए आप लोगों को ये लेक्चर दिया था, क्योंकि बहुत पहले मैंने ये लेक्चर लिया था और आप लोगों ने रिविजन किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, तो उसमें आप लोगों को पता होगा क्या क्या बातें वहां पर दी जाती है, कहां से इसका पैसा निकल के आता है, किस तरीके से इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। तो इसकी भी जो सैलरी अलाउंसेस वगैरह है, पेंशन वगैरह है, वो सारी कंसोलिडेटेड फंड से निकाली जाती है। बात कर लेते हैं यूपीएससी के चेयरमैन की या फिर यूपीएससी के जो मेंबर होते हैं उनकी जो सैलरी होती है वो भी यहां से निकाली जाती है, उसको भी कोई भी यहां पर डिस्कस नहीं करता है। तो ये मैंने आप लोगों यहां पर कुछ ही पॉइंट दे रखे हैं, इसके अलावा और भी कई सारी चीजें आप लोगों यहां पर देखने को मिलेंगी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दूसरे तरीके के एक्सपेंडिचर, जैसे आप लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर लीजिए या फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात कर लीजिए या यूपीएससी के बारे में बात कर लीजिए, तो इनके जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, मतलब इनकी एक बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग में कई सारे यहाँ पर प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं, इंटरव्यू वगैरह कराए जाते हैं या फिर जो भी चेकिंग का प्रोसीजर होता है, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव जो कॉस्ट आती है वो भी यहीं से ही निकाली जाती है, ठीक है। और भी इसके अलावा जो भी एक्सपेंडिचर यहाँ पर डिक्लेयर किया जाए पार्लियामेंट के द्वारा, तो वो सारे एक्सपेंडिचर भी आप लोगों को यहीं से ही नजर आएंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को एक्सपेंडिचर के बारे में पता होना चाहिए, तो ये कुछ डिटेल में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये था आज का लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन सी स्टेजेस होती है, किस तरीके से यहाँ पर पूरा प्रोसेस होता है, 6 स्टेज कौन कौन सी होती है जिससे होकर पूरा प्रोसीजर ये चलता है आगे, वो सारी बातें आप लोगों को अब नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। तब तक आप लोग इंजॉय कीजिए और पुराने लेक्चर का जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, जो कि आप लोग यहाँ पर कनेक्टिविटी बना सके पार्लियामेंट के बारे में। अपने आसपास सफाई रखिए, पेड़ पौधों को सेव कीजिए और मिलजुल कर ईयर पॉलिथीन का कम से कम यूज कीजिए। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।